हमें सड़का बोर्ड इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, इससे हमें आगे जाने की इंटरव्यू में बहुत अच्छी सीख दी, इसी साथ से मज़ा आया, इंटरव्यू अच्छा हुआ इसमें। सर का इंटरव्यू देख के हमें बहुत अच्छा लगा, आगे बढ़ने के लिए इंटरव्यू देने जाओ तो कैसा रहने का, कैसा बोलने का, उस सब के बारे में बहुत अच्छा लगा। सर का लेक्चर में बैठे तो बहुत मज़ा आया, कुछ सीखने मिला। सर का इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा था, सर ने जो ट्रेनिंग सिखाई वो हमें आगे बढ़ने में करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके थैंक यू। ये लड़का है ना, अभी ऐसे अब जब अंदर हम लोग खाने बैठे थे ना, अभी थोड़ी देर में ये निकलने वाला था, वो यहाँ पे बैठा, वो मेरे को ऐसा शॉकिंग है कि ये अभी उठ के ऐसा बोलता है कि मैडम प्लीज मैं जवा दो, मैडम प्लीज मैं जवा दो, वो इतना इंटरेस्टिंग लगा आपको, तभी ये बंदा बैठा है। मैडम ने एकदम सही बोला है, आपका जो स्पीच था सिखाने का वो दिल को छू गया, इसलिए बैठे। नेक्स्ट कोई आने जाता है? सर का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, सर का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इससे सीख मिलेगी आगे जाके। मैं सर की ये बात याद रखूंगा कि सर ने ये इंटरव्यू मेरे को बहुत ही अच्छे से सिखाया था, और इस टिप से मैं आगे जाऊंगा। थैंक यू सर। नहीं, मेरे वीकनेस का ही क्वेश्चन है, जब मैं इंटरव्यू देता हूँ तो ऐसे तो कोई अपने अंदर जिसको जानते हैं उसके सामने एकदम मस्त बोल पाता हूँ, कोई अलग मीटिंग कोई कैबिनेट होता है उसके सामने जो मैंने जो तैयारी की है उस पे सामने स्पीच में, फिर वो एक क्वेश्चन गुड मॉर्निंग बोलते हैं, फिर मैं उसे ता आ जाता है, वो जीप बहुत अटकती है। नहीं नहीं सिंपल, आप वो इसका रीजन क्या है? नहीं नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकेंड नहीं, एक ही डर होता है कि नौकरी नहीं मिला तो क्या है ना, वो डर निकलना चाहिए, और नॉर्मली आपको बात करना चाहिए। आप जैसे एक प्रिपेयर करके जाते हो ना कि ये इंटरव्यू है ये मिलना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और सेकंड, आप थोड़ा सा हम लोग कूल काम इस चीज़ को लेना चाहिए, मिला तो मिला, नहीं मिला तो मिला, मिला तो तुम्हारा कंपनी अच्छा है, नहीं मिला तो तुम्हारा कंपनी बैड है, मेरा तो मैं तो ये नहीं तो दूसरा कोई मिलेगा ही मिलेगा, उस तरह का जब आपको कॉन्फिडेंट लगता है ना तो आप आराम से बात करो। नहीं प्रैक्टिस आप करो, नए नए लोग से बात करो, एक मिनट किसी को भी नए लोग से, नए लोग से जब बात करना, अभी से एक प्लान करो, दिन में 5 नए एजेंट से बात करना। कितना लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं नए लोग से? वेरी गुड, कैसे बात स्टार्ट करोगे आप? गुड आफ्टरनून, ओके, इंट्रोडक्शन से फर्स्ट। हाँ, अगर आपके पास कोई आके बोलता है हाय हेलो हाउ आर यू तो आपको थोड़ा डर होगा? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, नया नया ये अचानक क्यों आके मेरे से बात कर रहा है ऐसा? ओके, और दूसरा कोई तकनीक है आप बात करते हो ऐसा? हाँ, एक मिनट इसको बता देता हूँ, बताना मैं सिंपल एक बात, आपको जब भी किसी से बात करो एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा चालू करो, राइट? देखो, अगर आप ये टी शर्ट बहुत अच्छा है, ये कहाँ का है सर? जय ब्लू का है, राइट? ये मैंने स्टार्ट किया, इनका बात हो गया, ओके ओके, फिर मैं बात चालू कर सकता, ये आप प्रैक्टिस करो, दिन में 3-4 से आपको नए जन से बात करो, बस में बैठा रहेगा ना, सैमसंग का है क्या? ओके, बस चालू करने का, ऐसा करते करते आपका डर निकलेगा, ठीक है? और ये आपको मालूम नहीं, जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस कर सकता है ये, सब लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है? बिना पहचान वाले से नाम मत पूछना, हेलो सर किधर रहते हो आप, आपका घर का एड्रेस किधर है, नहीं बताएगा, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट के साथ बताना, सर ये कैसा है, ठीक है? यस यस, क्या बोलेगा? हाँ बताओ बताओ, गुजराती में बोलने का, हिंदी में बोलने का, जैसे बोलने का बोलेगा, गुजराती में बोलने का बोलो। તમે જે શીખવાડ્યું છે બહુત જોરદાર એમ, અને તમે જે ઇન્ટ્રોડક્શન, આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ઇન્ટ્રોડક્શન, જે તમે પ્રોજેક્ટમાં જે સ્પીચ આપી છે એવી રીતના તમે જે બાળકોને જે રીતે શીખવાડ્યું છે, સારું શીખવાડ્યું છે, અને બધા જેમ ધીરે ધીરે આગળ વધશે સ્પીચ, ધારો કે હું જ તમે જેમ કીધું કે
ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જઉં છું, સારું બેસવાનું, શૂઝ એ કરવાના, બરાબર આમ કપડાં બપડાં વ્યવસ્થિત પહેરવાના છે, હેર, શૂઝ, ટાય, શર્ટ, ઇસ્ત્રી સબ, બરાબર. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, વેરી ગુડ. સર અભી તક મેં બહુત સેમિનાર ઓર ટ્રેનિંગ અટેન્ડ કિયા, તીન સે ચાર સેમિનાર અટેન્ડ કિયા. મેરે અંકલ જાતે થે તો ઉનકે સાથ મેં જાતા થા, વો લે જાતે થે મુઝે, તો ઉસમે સે અભી તક અચ્છા લગા હો ના, તો તુમ્હારા લગા સબસે અચ્છા. તો યે તુમ્હારે જિસે સમજાયા ના, તો મેં બહુત સેમિનાર મેં દેખા, સીધી નહીં સમજાતે, નહીં સમજ મેં આતા. અગર તુમ સેમિનાર સે બહાર જાઓ તો સબ ભૂલ જાતે, જો અંદર હો ને તો સમજ પડતા, બાકી બહાર જાઓ તો સબ ભૂલ જાતે. તુમને જો સમજા ને અભી તક મેરા માઇન્ડ મેં ચલ જાય, તો બહુ અચ્છા. સર મુજે બહુ અચ્છા લગા સર, ઉનકા ટાઈમ નિકાલ કે હમારે પાસ આયે, હમકો ઇતના સારા સમજાયા સરને, બહુ અચ્છી તરીકે સે સમજાયા, સબ અભી તક દિમાગ મેં બેઠા હુઆ હૈ. હમકો એસા ભરોસા હૈ કે સરને જો સમજાયા હૈ, ઉસસે હમ કહીં બહાર જાયેંગે ઇન્ટરવ્યુ દેને, તો 100% પાસ હોઈંગે. જો યનુ આપણે કરને એમના નામ પર સોંગ, રેપ સોંગ, રેપ સોંગ એમના નામ પર કરને. નહીં આયે. ઓકે, અચ્છા. લાસ્ટ મે સર બતાયેંગે, સર મેમ સબ બતાયેંગે લાસ્ટ. ઓકે, ધ સ્ટુડન્ટ. Yes guys, just come to ये hey, ये सब आपको YouTube मिलेगा. आज दो तीन दिन में सैटरडे जाऊंगा, पोस्ट कर दूंगा. સર એ જીવન કે મેરા પહેલા એ ઇન્ટરવ્યુ થા, હમને કભી ભી ઇન્ટરવ્યુ ના કભી સુના હૈ ના કભી દેખા હૈ, મેં ગયા કહીં ભી નહીં, યે જીવન કા પહેલા મતલબ એસા ઇન્ટરવ્યુ હૈ. લેકિન બહુત અચ્છા લગા, બહુત બઢિયા થા, ઇસસે હમે બહુત હી સીખ મિલી, હમે ફ્રેન્ડ કો ભી બહુત સીખ મિલેગી. ઇસમેં અગર બચ્ચે લોગ ઇસકો ગૌર સે દિમાગ સે સમજેંગે, તો મુજે વિશ્વાસ હૈ કે યે અગર કહીં ભી જાયેંગે તો ઇન્ટરવ્યુ મેં કહીં ફેલ નહીં હોંગે, ઓર ઇનકો અચ્છી જોબ મિલને કે ચાન્સ બન સકતે હૈ. હા સર, મને આપકા ઇન્ટરવ્યુ સુના, બહુ મસ્ત લગા, બઢિયા લગા, બરાબર. અભી મેં દો તીન દિન પહેલે ગયા ભી થા ઇન્ટરવ્યુ કે લિયે, પણ મેરે કો થોડા હચકચાસ જૈસા હુઆ, પણ ફિર ભી થોડા, હા, તો મેં અભી અગલી બાર જાઉંગા તો આપકા દિમાગ મેં રખુંગા આપકા બાત. Then ek photo nikal den.